यदि आज आप देखोगे तो राजनेताओं का संवाद करने का तरीका बदल चुका है। जैसे कि आप 5 या 10 साल पहले देखते थे, राजनेता ज्यादातर माध्यमों के माध्यम से बोलते थे, जैसे टीवी है, न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया है। आज वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए अपने मतदाताओं से बात करते हैं। सोशल मीडिया का जो योगदान है वो आज बहुत बढ़ गया है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सोशल मीडिया में हावी हो गई है। जो राजनीति में नए कैंडिडेट हैं, उनके लिए सोशल मीडिया वरदान है, क्योंकि बहुत कम कीमतों पे, या फिर आप बोल सकते हो कि 0 पैसे में वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सोशल मीडिया राजनीति के मैदान में समतल रखने के लिए मदद कर सकता है। जहां पैसा और चैनलों तक पहुंचना नए कैंडिडेट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, वही सोशल मीडिया आपके लिए लोगों तक आपकी बात पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम बनता है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि राजनीति में नए आने वाले जो लोग हैं उनकी तकनीकी जानकारी ज्यादा होती है या फिर उनका सोशल बेस छोटा होता है, सोशल मीडिया पर वो उन व्यक्तियों से मिल सकते हैं जिन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। आपके नीतिगत विचारों को लोगों तक पहुंचाना, नए उम्मीदवार अपने सोशल मीडिया के खातों के माध्यम से खुद को मतदाताओं से भावनिक जोड़ बना सकते हैं। इससे मतदाताओं को अधिक जुड़ाव महसूस होता है और इसके जरिए आपको लोगों से वैचारिक स्तर पर जोड़ा जा सकता है। पहले उम्मीदवार बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, जबकि आज वही बात आप चंद अक्षरों में ट्विटर, सोशल मीडिया माध्यम से पहुंचा सकते हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी की जो टेक्निक है, जिसका आज सोशल मीडिया में एक बड़े तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आप छोटे छोटे समूहों को आपका संदेश पहुंचा सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं, जैसे कि आपके डोनर्स हैं, आपके स्विंग वोटर्स हैं, ऐसे मतदाता जो आपको दिन में या फिर सभाओं में नहीं मिलेंगे, ऐसे मतदाता जो नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं, ऐसे मतदाता जो आज आपके क्षेत्र में नहीं है पर आप उन तक पहुंचा सकते हो अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से। माइक्रो स्ट्रेटजी, इसमें आप एक छोटे छोटे तबके को पकड़कर उनसे जुड़ी जो बातें हैं वो कर सकते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो आप कैसे हल करेंगे इसके बारे में उन्हें बताकर आपके पक्ष में कर सकते हैं। और माइक्रो स्ट्रेटजी टेक्निक इस तरह से बढ़ रही है कि आने वाले चुनावों में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होने वाला है। और आज जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो माइक्रो स्ट्रेटजी टेक्निक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। पहले जो बड़ी पार्टियां थी, जो पुराने लीडर्स थे, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग बजट प्रिंट और टेलीविज़न पे लगाते थे, लेकिन आज एक बड़ा तबका फेसबुक, ट्विटर पर बहुत ही कम कीमतों में अपने मतदाताओं तक पहुंच पा रहा है। सोशल मीडिया ने आज राजनेताओं को वोटर से कनेक्ट करने का जो जरिया है
वो हमेशा के लिए बदल दिया है। और आज हम देखेंगे कि चुनावी रणनीति हमेशा के लिए बदल चुकी है। तो जरूरी यही होगा कि आप भी वक्त के साथ बदल जाइए और तुरंत सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।